वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मेथड को कम्प्लीटली स्टडी किया था. नेक्स्ट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. बिफोर द डिटेल स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू रिवाइज द स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्टेप्स होते हैं उनको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेप, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, कि जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है दैट इज फर्टिलाइजेशन. फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज जाइगोट. फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि अब जो जाइगोट है वो फर्दर डिवाइड होगा, उसकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी एंड कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो. आफ्टर ए सुटेबल टाइम और ए ग्रोथ पीरियड द एम्ब्रियो जर्मिनेट हुआ था प्लांट्स के अंदर, यहाँ टेकिंग बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि वो एक ऑफस्प्रिंग या न्यू जनरेशन या न्यू डॉटर न्यूक्लियाई होती है जो जाइगोट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नए ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म्स जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो फॉलो करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. बिफोर दैट वी हैव डिस्कसिंग ए कॉमन क्राइटेरिया, कि उससे पहले कॉमन थिंग्स हम डिस्कस करते हैं. हम देखते हैं कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट, कि छोटे बच्चे से एक बड़े बच्चे में या फुली मैच्योर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होते टाइम वेरियस चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, लाइक बॉडी की हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है. ठीक है ना, इसी तरह से बॉडी क्या है वो ग्रोथ करती रहती है. सो सम ऑफ दीज कॉमन चेंज, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वी नीड टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल. तो मेल और फीमेल में जो कॉमन कैरेक्टर से अराइज होते हैं वो कौन कौन से हैं, इंक्रीज हाइट एंड वेट, कि जो मेल और फीमेल बॉडी है उनका हाइट और वेट इंक्रीज होगा. प्यूबिक हेयर्स, कि बॉडी पर हेयर्स ग्रो करेंगे. ग्रोथ ऑफ ऑयल ग्लैंड्स इन फेस, कि जो फेशियल पार्ट जो है, फेस जो है उसके ऊपर ऑयल ग्लैंड्स की अराइजमेंट होती है, उनकी ग्रोथ होती है, स्किन ऑयली हो जाती है. ये कॉमन फैक्टर्स हैं जो सभी में कॉमन मिलेंगे, मेल और फीमेल दोनों में कॉमन मिलेंगे, जो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सेल्फ कॉन्शियस ऑफ आवर ओन बॉडीज, कि हमारी अपनी बॉडी के लिए हमें हमारे जो मेंटली स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग रहती है. हमें बेसिक डिफरेंस पता होता है कि आइदर इट इज मेल और फीमेल. अब ये जो चेंजेस आते हैं बॉडी वेट, ये टाइम पीरियड के साथ आते हैं, कि फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्ट, कि चाइल्डहुड की जो जनरेशन है उसके बाद मैच्योरेशन आ जाती है. तो ये जो ग्रोथ है ये विद द टाइम, इसमें काफ़ी साल भी लग जाते हैं, कुछ ग्रोथ कुछ मंथ्स के अंदर होती हैं. उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर जर्म सेल्स, देखो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होता है सोमेटिक सेल और एक होता है जर्म सेल्स. सोमेटिक सेल का काम होता है बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर, और जर्म सेल्स का काम होता है टू हेल्प इन रिप्रोडक्शन. जैसे अगर इसमें हम नए चेंज की बात करें कि क्या क्या चेंज आते हैं, देखो छोटे बच्चे के अंदर क्या होता है, मिल्क टिथ प्रजेंट होते हैं, फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिथ के अंदर. तो ये सब जो ग्रोथ है वो दोनों में सेम रहेगी, कॉमन फीचर्स हैं वो, दे आर द कॉमन टू बोथ बॉय एंड गर्ल्स. बट एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, कि जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी में डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होता है, कि दोनों में डिफरेंस आने स्टार्ट होते हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस, कि देखने में दोनों अलग अलग हैं, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ होते हैं व्हेन बॉडी बिकम्स मैच्योर.
एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो दोनों में स्पेसिफिक होते हैं कि दोनों में, बट सम ऑफ चेंज आर स्पेसिफिक कि कुछ गर्ल्स के अंदर होंगे कुछ बॉयज़ के अंदर। जैसे फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, कि जो गर्ल्स हैं उनके अंदर ब्रेस्ट की फॉर्म की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस इन गर्ल्स, कि गर्ल्स के अंदर या फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स स्टार्ट हो जाती हैं। फेशियल हेयर इन बॉयज़, कि बॉयज़ के फेस पर हेयर्स आने लग जाते हैं, जो दाढ़ी मूछें जो होती हैं बॉडी हेयर ऑन द फेस की, हेयर्स की ग्रो हो जाती है फेस के ऊपर। वॉइस में डिफरेंट आ जाता है। ओकेशनली एनलार्जमेंट एंड इरेक्शन ऑफ द पेनिस इन बॉयज़, कि बॉयज़ के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है दैट इज़ पेनिस, उसके अंदर वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे फीमेल के अंदर है कि जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन ऑन द थाइज, कि जो थाइज एरिया जो है उस पर एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये सब स्पेसिफिक चेंजेज हैं जो मेल एंड फीमेल के अंदर स्पेसिफिक होते हैं, कि मेल के अंदर दाढ़ी मूछें आ गई, पेनिस एनलार्जमेंट एंड इरेक्शन होता है, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बिगिन हो जाती हैं। तो ये स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी की एज पर आ जाते हैं, इट मीन्स बॉडी रेडी टू रिप्रोडक्शन। और ऑल दी चेंजेस, जो चेंजेस अभी हमने डिस्कस किए उनकी वजह से क्या होता है, शो डिफरेंस बिटवीन पीपल्स, कि हम एक मेल और फीमेल के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेल के कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे कि बॉडी हेयर्स ऑन द फेस, ठीक है, और जो कॉमन फीचर्स हैं कि वो आर्म पिट्स जो होती हैं वहाँ पर बॉडी हेयर होना, बॉडी हेयर स्टार्ट टू ग्रो ऑन लेग्स एंड हैंड्स, तो ये कॉमन फीचर्स हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन ऑन थाई एरिया, ये फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे ही मेल के अंदर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेयर ऑन द फेस, कि फेस के ऊपर हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, पेनिस की एनलार्जमेंट, इरेक्शन। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं मेल के। तो इन्हीं कैरेक्टर्स की हेल्प से हम जो पीपल्स जो होते हैं आदर इट इज़ मेल और फीमेल, ये आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि ह्यूमन बींग्स डेवलप जर्म सेल्स, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं वो क्या डेवलप करती हैं, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। मैंने अभी आपको बताया कि दो टाइप की सेल्स होती हैं, सोमेटिक एंड जर्म सेल्स। तो सोमेटिक सेल बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो जर्म सेल्स होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जो गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो स्पर्म एंड ओवम होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, कि जब प्यूबर्टी आएगी तो वहाँ बॉडी ग्रोथ का जो जनरल मेथड्स हैं या जनरल जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगा, एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिकम्स मैच्योर, कि अब जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, विच रिजल्ट इन टू द प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी, कि वो क्या करेंगे, बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। कि स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, एक लाइफ का ऐसा पीरियड है व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, कि जब बॉडी के अंदर चेंज आएंगे और वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए लीड कर जाती है। इट्स कॉल्ड प्यूबर्टी, मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर वो स्टेज कम क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पार्ट, कि जो मेन फिनोमिना है उसके ऊपर आएंगे, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेस्टिस विच प्रोड्यूस स्पर्म्स, कि जहाँ गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड है वेसल डेफरेंस, यूरेथ्रा एंड पेनिस, जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बन रहे हैं उनको कैरी आउट करेंगे,
उनके लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएंगे। थर्ड है सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो स्पम्प्स की लाइफ को इन्हेंस करेंगे, जो स्पम्प्स की लाइफ को इंक्रीज करते हैं। तो वी हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, सिस्टम जो होता है, उसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स, टेस्टिस, टेस्टिस एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है विच प्रजेंट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच, कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी, हमारा जो कैविटी जो होती है जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रजेंट है, उस कैविटी के नीचे एक पाउच के अंदर प्रजेंट होते हैं, उस पाउच को बोलते हैं सैक्रोटम। कि सैक्रोटम जो आउटर कवरिंग है दैट इंक्लोजेज टेस्टिस, जिसके अंदर टेस्टिस हैं वो कवर्ड होते हैं। टेस्टिस का काम होता है टू प्रोड्यूस जर्म सेल्स, सॉरी गैमिट्स, जो मेल गैमिट जो स्पर्म जो है उसको प्रोड्यूस करता है। एंड वी आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, देयर इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर पेनिस प्रेजेंट होता है। पेनिस का काम होता है टू रिलीज द स्पर्म्स इनटू द फीमेल ट्रैक ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके अंदर पेनिस का वर्क होता है टू रिलीज द स्पर्म्स इनटू द फीमेल ट्रैक। और टेस्टिस के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, पेनिस उसको रिलीज करता है। तो टेस्टिस से जो गैमेट्स हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है टू द पेनिस विद द हेल्प ऑफ वैसा डेफरेंस, जो एक ट्यूबलाइज स्ट्रक्चर है। वैसा डेफरेंस क्या है? ट्यूबलाइज स्ट्रक्चर विच कैरी आउट द मेल गैमेट्स स्पर्म्स टू द पेनिस। अब देखो मेल के अंदर क्या होता है कि द पेनिस इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द स्पर्म्स एंड द यूरिनरी एक्सक्रीशन, कि जो हमारा यूरिन एक्सक्रीशन है उसके लिए और स्पर्म्स के लिए कॉमन ओपनिंग होती है, कि स्पर्म्स का रिलीज हो या यूरिन का रिलीज हो, दोनों कहाँ से होंगे? पेनिस के थ्रू होंगे। सो पेनिस इज कनेक्ट विद द यूरिनरी ब्लैडर एंड द टेस्टिस, यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट होगा विद और टेस्टिस के साथ। जो यूरेटर होते हैं विच कलेक्ट द यूरिन एंड डिपॉजिट इन टू द यूरिनरी ब्लैडर, कि वो कहाँ डिपॉजिट कर देंगे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं, जो ब्राउन लाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो सेमिनल वेसिकल्स, इनका काम होता है कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना, कि जो स्पम्प्स टेस्टिस के अंदर बने हैं वो इस वैसा डेफरेंशिया के अंदर ट्रैवल करें तो उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन, कि ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। टेस्टिस आर द साइट ऑफ स्पम्प प्रोडक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टिस क्या है, साइट ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन, जहाँ पे मेल गैमेट की प्रोडक्शन होती है। दीज आर द लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन सैक्रोटम, कि एब्डोमिनल कैविटी है उसके नीचे की तरफ एक पाउच के अंदर कवर होता है जिसको सैक्रोटम बोलते हैं। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे नियरली टू डिग्री बिलो टेम्परेचर, कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर प्रजेंट होता है टेस्टिस के अंदर। और उस 2 डिग्री टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। एंड द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कि टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं विद इन द टेस्टिकल्स, जो स्पम्प्स की फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वैसा डेफरेंस विच रिलीज द स्पम्प्स फ्रॉम टेस्टिस टू द पेनिस। नेक्स्ट थिंग कि टेस्टिस आल्सो द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, कि टेस्टिस में स्पम्प की फॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन जो एक सेक्सुअल हॉर्मोन्स है, सेक्स हॉर्मोन है, वो रिलीज होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है
कि मेल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि इरेक्ट एंड एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, कि पेनिस का साइज इंक्रीज होना, उसके अंदर इरेक्शंस आनी, और जो बॉडी के ऊपर जो फेस वाला जो एरिया है उस पर हेयर्स ग्रो करना, दाढ़ी मूछें आना, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और जो कौन रिलीज करती है, टेस्टिस रिलीज करती हैं, कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर हाइपोथैलेमस होती है, वो कोड करेगा पुबर्टी को, पुबर्टी कोज करती है, सॉरी रिलीज करेगी LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, जो लीडिंग सेल्स होती हैं टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे, वो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर क्या फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट इसमें है वैसा डेफरेंस कनेक्ट विद यूरेथ्रा, कि जो वैसा डेफरेंस है वो यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यूरिन की पासेज और स्पर्म की पासेज एक ही पाथवे के थ्रू होती है। यूरेथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, कि स्पर्म और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज है दैट इज यूरेथ्रा विच प्रजेंट इन साइड द पेनिस, बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स कम आउट थ्रू द मस्कुलर पेनिस, कि यूरिन और जो स्पर्म्स हैं वो बाहर किसके थ्रू आएंगे, मस्कुलर पेनिस के थ्रू, जो पेनिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मस्कुलर होता है। नेक्स्ट है इसमें प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स, कि जो प्रोस्टेट और जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है। दे सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूड सीमन, सीमन एक मिक्सचर होता है स्पर्म्स एंड फ्रक्टोज का, इसका फंक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ द वेजेनल ट्रैक। अब जो स्पर्म्स होते हैं वो सीमन के साथ मिक्स हो जाते हैं, अब जो वेजाइनल ट्रैक जो होता है फीमेल में अंदर जो वेजाइना जो होती है उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है और इसका पीएच अल्कलाइन है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे मीडियम को, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पर्म है वो ओवरी के अंदर ट्रैवल कर सकता है टू रीच द एग, एग तक पहुँचने के लिए। अगर यहाँ अल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो स्पर्म्स आर किल्ड बाय द वेजाइनल पीएच, कि वहाँ जो एसिडिक पीएच है वो स्पर्म्स को किल कर देगी। रिच सुक्रोज एंड और यहाँ फ्रक्टोज भी होता है प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, और उस सुक्रोज की वजह से क्या होगा कि स्पर्म्स की ग्रोथ होती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमेट, कि मेल गैमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट हैज़ ए लॉन्ग टेल, इट हैज़ ए हेड पोर्शन, मिडल पीस एंड द टेल रीजन, इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो हेड पोर्शन में, मिडल पीस में और टेल रीजन में डिवाइड होता है। हेड रीजन के अंदर न्यूक्लियस होगा विच कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर प्रोवाइड एनर्जी, एक्सियल फिलामेंट के पास लास्ट में टेल होती है जो मूवमेंट में हेल्प कराती है। द ह्यूमन स्पर्म सेल इज हैप्लोइड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं। हमारे अंदर दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एंड वाई, तो जब हैप्लोइड सेल्स बनेगी तो एक हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम, एक हो जाएगा वाई क्रोमोसोम प्लस 22 ऑटोसोम्स, ये टोटल कितने होते हैं 23 पेयर। तो जब डिवीजन होगा तो 23 एक सेल के अंदर आ जाएंगे और 23 दूसरी सेल के अंदर, तो यहाँ जो मेल गैमेट होगा उसके अंदर चांसेस होते हैं एक्स एंड वाई डिफ्रेंशिएट हो। तो बेसिकली हमने क्या स्टडी किया कि टेस्टिस आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, टेस्टिस आर द साइट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो मेल कैरेक्टर्स को इंड्यूस करता है। वैसा डिफरेंस कनेक्ट हो जाती है यूरेथ्रा के साथ विच रिलीज यूरिन एंड स्पर्म्स। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या होता है, सीक्रेट्स अल्कलाइन फ्लूड सीमन विच प्रिवेंट और विच प्रोटेक्ट द स्पर्म्स इन द वेजाइनल एरिया, कि वहाँ पे जो पीएच एसिडिक है उससे इसको बचाए रखेगा। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटीरियल, कि स्पर्म्स क्या है, गैमिट है विच कंटेन्स एन क्रोमोसोम नंबर्स, कि वो हैप्लोइड सेल है जिसके पास क्या है जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि द ऑर्गन्स
of the female reproductive system.